इंट्रोडक्शन तो मेरा यही है कि मैं 2010 से इस फील्ड में हूँ, ऑटिज्म के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। इसमें पहले मैं दुबई में काम करता रहा हूँ 4 साल 4-5 साल, और फिर 2 साल लाहौर में मैंने हमारा स्कूल है वहाँ पे आउटरीच स्कूल, वहाँ पे मैं स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग से हमने बनाया था पर्पल डोर के नाम से, और उसको मैं हेड कर रहा था। तो उसके बाद फिर पिंडी में हमें कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि आप पिंडी में सेंटर बनाएं, तो हमने यहाँ पे अलहदा से सिर्फ ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए सेंटर बनाया पर्पल डोर के नाम से, और अब 6 साल से मैं इस सेंटर को हेड कर रहा हूँ। इसमें हमारे दो ऑनर्स हैं जो कि इन्हीं एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, मैम सहर और सर साद, और उनकी गाइडेंस के अंदर मैं यहाँ पे इस सेंटर को रन कर रहा हूँ। इसमें फिर मैंने जिन लोगों को ऑटिज्म का बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको अवेयरनेस देने के लिए कि ऑटिज्म क्या है, एक प्रेजेंटेशन बनाई है। पहले हम वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में आपको साथ साथ बताता हूँ उसके बारे में, फिर एंड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। Understanding Autism Spectrum Disorder, Signs and Symptoms of ASD, Challenges Faced by Students with ASD, Creating an Inclusive Classroom, Collaborating with Parents and Caregivers, Resources for Supporting Students with ASD. Autism Spectrum Disorder, ASD, is a complex neurodevelopmental disorder that affects communication, social interaction, and behavior. It's important for teachers to understand ASD so they can support their students in the classroom. Students with ASD may struggle with verbal and nonverbal communication, have difficulty with social interactions, and engage in repetitive behaviors. However, each student with ASD is unique and may experience different challenges. जिसका मतलब है कि ब्रेन का इससे ताल्लुक है, और जिस टाइम ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस टाइम उसमें कुछ डेवलपमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उन बच्चों का ब्रेन एक डिफरेंट तरीके से डेवलप होता है, और उसमें उनके डिफरेंट एरियाज इफेक्ट होते हैं। उसमें कम्युनिकेशन भी होती है, सोशलाइजेशन भी होती है, उसमें एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं जो कि हम जैसे सुबह उठ के सारा दिन का प्लान करते हैं कि हमने अपना दिन ऐसे गुजारना है, अक्सर ऑटिज्म वाले बच्चों के एरिया वीक होता है, मैथ में वीक हो सकते हैं, लेकिन हर बच्चा डिफरेंट होता है। हो सकता है एक बच्चा आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता हो और उसको ऑटिज्म हो, और एक बच्चा बहुत ज़्यादा हैंड क्लैपिंग करता हो और उसकी सिर्फ हैंड क्लैपिंग हो और वो बाकी सारी चीज़ों में नॉर्मल हो। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, और इसमें डायग्नोसिस एक अलग से फील्ड है, जो कि जो लोग डायग्नोज करते हैं वो सिर्फ डायग्नोसिस करते हैं मोस्टली, और जो थेरेपीज करते हैं वो एक अलग फील्ड है। हम लोग थेरेपीज में हैं, और इसके अलावा डिफरेंट साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो उनको हम रिकमेंड करते हैं डायग्नोसिस के लिए। As educators, it's our responsibility to create a safe and inclusive learning environment for all students, including those with ASD. By understanding the signs and symptoms of ASD, teachers can recognize when a student may need additional support or accommodations. It's also important to approach students with ASD with compassion and empathy, recognizing that they may have unique needs and challenges. With the right support and resources, students with ASD can thrive in the classroom and beyond. बहुत सारी इनकी स्पेशल नीड्स होती हैं जो कि हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चों की सेंसरी नीड्स होती हैं, उनको हेयरिंग में सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, हल्की सी आवाज़ भी उनको बॉदर करती है, पंखे की आवाज़ से भी वो ट्रिगर हो सकते हैं, और इस तरह कुछ बच्चे जो होते हैं उनको उनको विजुअली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बड़ी ईजीली। तो इस तरह हर बच्चे की हमें फिगर आउट करनी पड़ती है कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं। कुछ बच्चे, अगर किसी ने फिल्म देखी हो माय नेम इज़ खान, उसमें शाहरुख खान ने एक ऑटिज्म की एक सब टाइप है एस्पर्गर, वो रोल प्ले किया था। तो इस तरह उसके अंदर उसको दिखाया गया था कि वो एक स्पेसिफिक रंग से ट्रिगर होता है और उसका एक बिहेवियर। इस तरह हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको किसी बच्चे को लाल रंग से प्रॉब्लम है, तो एक बच्चे को ऑरेंज कलर से इशू होता है। इस तरह इनके डिफरेंट इश्यूज होते हैं जो कि हर बच्चे के यूनिक होते हैं, तो ये फिगर आउट करने पड़ते हैं। इसमें
क्लासरूम में जैसे नॉइस अगर ज्यादा है तो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स मिलते हैं स्पेशली फॉर ऑटिस्टिक पीपल, वो पहन के अपने क्लासरूम में जाते हैं, जो कि अगर टीचर बात कर रही है तो वो सिर्फ वो वॉइस या स्पीच उस बच्चे के कानों तक पहुंचती है, बाकी नॉइज और शोर उस तक नहीं पहुंचता। तो इसी तरह फिर और भी चीज़ें हैं सेंसरी में, जो कि फिजिट स्पिनर आपने देखा होगा, फिजिट स्पिनर एक्चुअली स्टार्टिंग में ऑटिज्म वाले बच्चे यूज़ करते थे, फिर वो बाद में टॉय बन गया और सारे बच्चे उससे खेलने लगे, लेकिन जिन बच्चों के जिनको उनको कॉन्टिन्यूस हैंड मूवमेंट्स चाहिए होती हैं तो वो फिजिट स्पिनर यूज़ करते हैं अपनी टेबल के अंडर ताकि वो काम डाउन रहें। और अक्सर बच्चे जो ऑटिज्म के होते हैं वो इस तरह के जो इनके स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं इनकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाते हैं, हमें यूँ लगता है जैसे शायद वो हमें अटेंशन नहीं दे रहे लेकिन उनका वो ज़्यादा अच्छा फोकस करते हैं अगर उनको ये कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं उनके, अगर उनको ये सपोर्ट्स प्रोवाइड की जाए वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एम्पैथी, रिकॉग्नाइजिंग दैट दे मे हैव यूनिक नीड्स एंड चैलेंज सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स। Autism spectrum disorder, ASD, is a complex neurodevelopmental disorder that affects communication, social interaction, and behavior. It is important for teachers to be able to recognize the signs and symptoms of ASD in their students, as early intervention can greatly improve outcomes. Some common signs of ASD include difficulty with social communication, such as making eye contact and understanding nonverbal cues. Repetitive behaviors, such as rocking or hand flapping, are also common. Sensory sensitivities, such as being bothered by certain textures or sounds, may also be present. It is important to note that not all individuals with ASD will exhibit the same signs and symptoms, and some may have additional challenges. Students with autism spectrum disorder, ASD, challenges in the classroom, such as difficulty with social interactions, communication barriers. They may struggle to understand or express their own emotions effectively. As teachers, it's important to be patient and understanding of these challenges and to provide support and accommodations that can help these students succeed. One strategy for supporting students with ASD is to create a structured and predictable classroom environment. This might include using visual schedules or cues to help students understand up and throughout the day, or providing quiet spaces where they can go to regulate their sensory input. It's also important to establish clear expectations for behavior and communication, and to provide regular opportunities for positive reinforcement and feedback. अभी क्लासरूम का डिस्कस हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, उनको क्लासरूम में हम स्कूल से पहले बात कर लेते हैं कि अगर बच्चे को बिहेवियर आ जाता है, ट्रिगर हो जाता है या सेंसरी ओवरलोड हो जाते हैं तो उनके लिए एक अलहदा से स्पेस होनी चाहिए जहां टीचर जो यूजली शेड हो जाती है हमारे सेंटर से बच्चों के साथ सपोर्ट के लिए, तो वो शेडो का काम ये होता है कि अगर बच्चा नई क्लास में कोप आउट कर पा रहा है तो वो उसको 5 से 10 मिनट के लिए एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ शोर नहीं है और वहाँ पे उसको काम डाउन कर दिया है, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उससे वो बच्चा जब काम डाउन हो जाता है फिर उसे क्लास में वापस लेके आया जाता है। विद टाइम, यानी अगर शुरू में बच्चा दिन में 2-3 दफ़ा अपसेट हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लासरूम में इतना सेटल डाउन हो जाता है कि वो 1 से 9 मंथ और आफ्टर 2-3 मंथ्स सिर्फ उसका एक एपिसोड इस तरह का होता है जिसमें वो सेंसरी ओवरलोड होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हो जाता है क्लासरूम का। स्टार्टिंग में ये ज़्यादा होता है और इसीलिए अक्सर बच्चे जो स्टार्ट में हम स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनका वो पहले 30 मिनट्स के लिए जाते हैं, फिर 1 महीने बाद वो 1 आवर के लिए जाते हैं, इस तरह का टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं ताकि उनका स्टेमिना इंक्रीज हो ज़्यादा क्राउड में बैठने का, क्योंकि हमारे पास सेंटर की सेटिंग में मैक्सिमम 4 से 6 बच्चे होते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो स्कूल के अंदर एक क्लास में 20 से 30 बच्चे या 40 बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है, उसमें बच्चे के लिए जाके बैठ के फोकस कर पाना सिर्फ टीचर के ऊपर ज़्यादा मुश्किल होता है। डिस्ट्रैक्ट बहुत ईजीली हो जाते हैं ऑटिज्म वाले बच्चे, तो इसलिए उनका जो शेडो होती है उसका काम होता है कि उनको फोकस उनका टीचर की तरफ होगा।
इसमें जो creating an inclusive classroom environment is crucial in supporting students with autism spectrum disorder ASD. By adapting the classroom to meet their needs, we can help these students thrive academically and socially. Practical tips and strategies for creating an inclusive classroom include providing visual aids, such as picture schedules and social stories, using sensory tools like fidget toys, noise-canceling headphones, and implementing structured routines. These adaptations can help students with ASD feel more comfortable and engaged in the classroom, lead greater success in their academic and personal lives. Collaborating with parents and caregivers is crucial in ensuring that students with autism spectrum disorder receive the support they need to succeed both at home and at school. By working together, teachers and parents can share information about the students' strengths, challenges, and goals, and develop strategies for meeting their individual needs. Effective communication is key to building a strong partnership between teachers and parents. Teachers should make an effort to listen to parents' concerns and ideas and provide regular updates on the students' progress. इसमें पूरी टीम बनती है जिसमें पेरेंट्स शामिल होते हैं, टीचर, टीचर उसकी स्कूल की टीचर और उसकी शैडो टीचर और यहाँ सेंटर में जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, ये पूरी एक टीम होती है. ये सारे एक पेज में होने चाहिए कि इस बच्चे के क्या इश्यूज हैं, किन चीज़ों से, क्या चीज़ें इसे पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद, किन चीज़ों में इसकी स्ट्रेंथ है, म्यूज़िक में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, और उसके रीफोर्सेस क्या हैं. ये हमारे एबीए की टर्म है, रीफोर्सेस, जिसमें जो कि हम टेक्निक यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा. लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है, ये जितने भी टीम मेम्बर्स उसके साथ, बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, ये सबको पता होनी चाहिए. तो इसलिए कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है दरमियान में, सेशंस के दरमियान में. They can also offer suggestions for activities and resources that parents can use to support their child's learning and development outside of school. Assistive technology can be a game changer for students with ASD. Tools such as text-to-speech software, speech recognition software, and alternative keyboards can help these students communicate more effectively and participate fully in classroom activities. Visual supports, such as picture schedules, social stories, and visual timers, can also be incredibly helpful for students with ASD. These tools can provide structure and predictability, which can reduce anxiety and help students understand what is expected of them. इसमें last step ये होता है कि assistive devices use की जाती हैं, apps different बनी हुई हैं, जैसे कि मेंशन में किस टाइप में टेक्स्ट टू स्पीच है, डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं जो स्पेशली डिसलेक्सिया वाले, जिन ऑटिस्टिक किड्स को डिसलेक्सिया है उनके लिए बनाए गए हैं स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड्स, ताकि वो ज़्यादा अच्छा उसमें परफॉर्म करें. जी जी हसन, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं, आपकी आवाज़ क्लियर है. इसमें मेन चीज़ यही थी कि इन बच्चों को जब सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है तो ये एकेडमिकली भी आगे चल सकते हैं और आहिस्ते आहिस्ते इनके बिहेवियर भी कंट्रोल होते हैं. कुछ इश्यूज रहते हैं क्योंकि ऑटिज्म फॉर लाइफ होता है, लाइक जो बेसिक डिफरेंस है, डिसलेक्सिया और ऑटिज्म सेम नहीं होते, लेकिन अक्सर ऑटिज्म वाले बच्चों में डिसलेक्सिया होता है. डिसलेक्सिया बेसिकली होता है जब ABC को बच्चा रिकग्नाइज ना कर पाए, तो ABC उसके लिए मुश्किल होता है रखना. उस पर तारे जमीन पे जो मूवी बनी है वो इसी टॉपिक के ऊपर बनी है. अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं. हसन, ये जो डिसलेक्सिया है और ये जो ऑटिज्म है, आपने अभी इसको डिफरेंशिएट किया, मुझे ये बताएं कि ये आपने कहा ऑटिज्म जो है ये जेनेटिकली यानी ब्रेन के डेवलपमेंट के अंदर आगे जाता है, मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से ये एक डिसऑर्डर होता है. जी जी, जिस ब्रेन डेवलप हो रहा है डिसलेक्सिया भी इसी वजह से होता है, ब्रेन के किसी मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस के बीच में ये चीज बिल्ड हो जाती है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है लेकिन एग्जैक्टली कॉजेस फिगर आउट नहीं हो सकी डिसलेक्सिया की, ऑटिज्म की. जितने भी ये न्यूरो डेवलपमेंटल है, बेसिकली इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो पोल्यूशन है, यानी बेसिकली एवरीथिंग we are taking like air, water or food.
वो सारे की सारी पोल्यूटेड है, ठीक है। इससे कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें पोल्यूशन ना एंटर हो, यानी जो पानी हम इवन जो नीचे से पानी निकाल रहे हैं हम जमीन से, उसमें भी इस टाइम पोल्यूशन है। तो ये जो हवा है उसमें हमारे इंडस्ट्री का धुआं, कारों का धुआं, और जो फूड है उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये एक रीजन कही जाती है, लेकिन 100% क्लियर कोई भी नहीं है इस टाइम। इसके अलावा एक जो बड़ी रीजन है जिसमें बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं, वो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस का होना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा, तो बच्चों में अक्सर यानी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स शो होते हैं, जिनमें ऑटिज्म भी है और डिस्लेक्सिया भी है और यानी और भी हैं। हसन, आपसे ना आलिया है एक पेरेंट, वो आपसे बात करना चाहती हैं। आलिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। हसन अस्सलाम। जी मेरा यंगेस्ट सन है, उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हमें घर में तो फील नहीं हुआ कि उसको कोई एसएच, कोई एडीएचडी का या कोई ऑटिज्म का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्लासरूम बिहेवियर उसका काफी डिफरेंट था। लाइक लाउड नॉइजेस को वो डिसलाइक करता था, क्लास से बाहर आ जाता था, और उसके बाद अभी भी मतलब अटेंशन स्पैन बहुत कम है और जल्दी फेडअप हो जाना चीजों से, स्पेशली एकेडेमिकली जो है वो स्लो है। मींस उसको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, स्पेलिंग्स याद कराऊं तो थोड़ी देर बाद भूल जाता है। तो ये है कि अब एनिमल्स, एनिमल लवर है, नेचर लवर है, बाहर घूमना और बहुत सेंसिटिव है, केयरिंग भी बहुत है, हर वक्त ख्याल रखना दूसरों का, वो सब चीजें हैं मतलब पॉजिटिव है, लेकिन ये है कि सिर्फ एकेडेमिकली उसका काफी प्रॉब्लम चल रहा है, डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से शायद, और कभी डॉक्टर कह रहे होते हैं उसको एडीएचडी है, कभी कहते हैं थोड़ा सा स्लाइटली ऑटिज्म की तरफ है, तो वो कंफ्यूजन रहती है। बिहेवियर थेरेपीज भी कराई हैं, बिहेवियर थेरेपी में वो कहते हैं कि नहीं और एडीएचडी ऐसा चीता नहीं है, क्योंकि 101 में वो अच्छा जा रहा है, ह्यूज क्लासरूम में जब ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उसमें फिर उसकी बहुत अच्छी मतलब वो नहीं है, अटेंशन नहीं है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसका क्या क्योर है? एज क्या उसकी बच्ची की? जी अभी एज उसकी हुई है 8 years, तो हमें फील होना शुरू हुआ था उसका 5 years से, थोड़ा सा स्पीच डिले था, अब थेरेपीज भी थोड़ी सी कराई हैं, कम्युनिकेशन बहुत उसका ये है कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, वाई वाले क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, और स्टोरी एक स्टोरी मेकिंग में या एक सीन क्रिएट करने में या बताना कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो नहीं बता सकता, वो वर्ड्स में या इस तरह ही बस बताता है, तो यहाँ पे आके उसको प्रॉब्लम होती है एक स्पीच की और एक लर्निंग इंफॉर्मेशन और कॉन्सेंट्रेशन। राइटिंग में भी कहते मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन लेटर्स लिखने आते हैं, लेकिन वही अप एंड डाउन लिखना और वो सारा चल रहा है। जो आपने इसका बताया कि स्पीच का भी था, तो थोड़ा सा यानी पॉसिबल हो सकता है, इसमें यह है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ डायग्नोसिस देने में, लेकिन मैं आपको एक गेस दे सकता हूँ। वो गेस ये है कि इसमें बेसिकली ऑटिज्म में एक हम कहते हैं बॉर्डर लाइन ये होता है कि ऑटिज्म के एक या दो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, और ये डायग्नोसिस बाजुकात करते हैं साइकाइट्रिस्ट, और अगर उनकी अच्छी थेरेपी हो जाए छोटी उम्र में, छोटी उम्र से मुराद 3 से 5 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र तक, तो वो जब दोबारा उसका 7 साल की उम्र में करवाते हैं तो वो ऑटिज्म में नहीं आता डायग्नोसिस में। अब यानी मैं नहीं कह सकता कि पीछे टाइम में क्या हुआ, लेकिन हम आगे अगर आगे का सोचें, फ्यूचर का सोचें, तो इस तरह हो सकता है कि आप किसी स्कूल से रिक्वेस्ट कर लें जहाँ पे जरा क्लासरूम छोटी हो, यानी छोटे थोड़े बच्चों की क्लास हो, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा भी पुश नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको हमें एक्सपोजर देना चाहिए क्लासरूम का, लेकिन अगर थोड़ी छोटी क्लास हो सके तो ज्यादा बेहतर है। और कुछ बच्चे से होते हैं जो क्लासरूम में अगर नहीं, यानी क्लासरूम में वो नहीं कम्पीट कर पाते क्योंकि क्राउड को नहीं वो कर सकते अंडर, तो फिर उनके लिए होम स्कूलिंग होती है, यानी होम स्कूलिंग में वो ग्रेड अपने कवर कर जाते हैं, 1-2 साल ज़्यादा लग जाते हैं उनको, लेकिन वो
उस तरह ज़्यादा अच्छा चल जाते हैं वन ऑन वन। तो आपको आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा इन द एंड एज अ पेरेंट, आप डिसीजन करना पड़ेगा कि मेरे बेटे के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है। क्योंकि अगर उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उसके लिए अगर वो उसको टॉर्चर समझ रहा है क्लास में बैठना, तो फिर हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। मेरा ख्याल है सभी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम हसन। मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है और वो बच्चे जो हैं यूँ समझ लें कि वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में भी ऑटिज्म के हैं, इनिशियल स्टेज से मतलब ये है कि अगर आई टू आई कॉन्टेक्ट वो नहीं कर पाते, उनमें कुछ शाइनेस का थोड़ा एलिमेंट है और उसके बाद वो नॉन सोशलाइजिंग है विद पर्टिकुलरली विद स्ट्रेंजर्स, यानी अगर फैमिली मेंबर बैठे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब फैमिली मेंबर से बच्चा घुल मिल जाता है, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा कोई थर्ड पर्सन आता है तो वो उसको बच्चा जो है उसमें वही चीज़ें जो आई टू आई कॉन्टेक्ट शाइनेस नहीं होती, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि whether he or she should be sent to a normal school or a very special school? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ऐसे बच्चों को अगर हम इनके जो स्पेशल स्कूल है उसमें भेजें तो ये प्रॉब्लम जो ऑटिज्म की है यानी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की प्रॉब्लम कहीं एग्रीवेट तो नहीं कर जाएगी। So this is my question, whether the child should be sent to a normal school or to the one which deals with autism. So ye zara kindly bata dijiye ji. Main is pe pehle hi baat ye bata deta hu ki main jis center mein kaam kar raha hu unhone mujhe residence di hui hai usi building mein, aur mere apne do bete hain jo ke wo time to time niche chale jaate hain, yani wahan pe bachchon ke sath autism wale bachchon ke sath interact karte hain. सबसे पहली बात ये कि ये मिथ है कि ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ अगर हमारा बच्चा जाएगा तो वो कुछ बुरा सीखेगा, ये काफ़ी बड़ी मिथ है। और इसमें होता है कि बच्चे बेसिकली अपना अपनी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट करते हैं और ज़्यादा अरसे तक वो किसी और का मिजाज फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज़ उनमें आती हैं और इसमें फेजेस भी होते हैं, कुछ बच्चे 3 मंथ्स के लिए एक फेज में होते हैं फिर उस फेज में से निकल जाते हैं, यानी एक जो प्रोग्रेस हो रही होती है, जो डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट सारी ट्रांजिशंस के ऊपर है। न्यूबॉर्न को देख लें, न्यूबॉर्न के अगर आप देखें तो उसके 3 मंथ्स के माइलस्टोन होंगे, फिर 6 मंथ्स के होंगे, फिर 1 ईयर के होंगे, फिर 1.5 ईयर के होंगे, यानी उसके माइलस्टोन चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह माइलस्टोन उसके वो सारी ट्रांजिशंस हैं, वो डेवलपमेंट के फेजेस हैं। फिर इसी तरह 2 ईयर्स के अपने मसाइल हैं, 3 ईयर्स के अपने मसाइल हैं, 4 ईयर्स के अपने इश्यूज हैं, ये टाइम के साथ चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। बाकी जहाँ तक शाइनेस का ताल्लुक है, मैं खुद उन बच्चों में से हूँ जो स्ट्रेंजर से नहीं मिलता था, तो यानी थोड़ा जब बड़ा हो गया था उसके बाद मैं स्ट्रेंजर से मिलना पसंद नहीं करता था, आई कॉन्टेक्ट नहीं देता। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, उसमें ये होता है कि ऑटिज्म वाले बच्चे या आम कोई भी आम बच्चा, हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस पुट ऑन कर देते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि आपने इस्लाम करना है और ये करना है और ये करना है। अभी जनरेशन चेंज हो चुकी हैं, जनरेशन जो अब नहीं है जनरेशन, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के साथ आ रही है, उनके हाथ में मोबाइल है और इसका भी एक इफेक्ट है बहुत ज़्यादा ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। तो वो एक अलग है, पूरा टॉपिक है मोबाइल के जो असरात हैं बच्चों के ऊपर। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को पुश नहीं करना चाहिए अगर वो स्ट्रेंजर से नहीं मिल रहे। आजकल का जो ज़माना है, अगर बच्चा स्ट्रेंजर से दूर रहता है तो ये एक अच्छी बात है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आपको ऑनेस्टली बता। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसको मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी ऑटिज्म वाले सेंटर में भेजने की ज़रूरत है आपको, सिर्फ इस बात के लिए कि वो स्ट्रेंजर्स से आई कॉन्टेक्ट नहीं देता। नेचुरली भी बच्चे शाई होते हैं, यानी जस्ट शाइनेस ऑटिज्म नहीं होती, ठीक है, नेचुरली बहुत सारे बच्चे शाई होते हैं, और शाइनेस और ऑटिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है हसन, आप ये रिकमेंड करते हैं कि
ऑटिज्म वाले बच्चे को अलहदा नहीं भेजना चाहिए, उसको आम स्कूल में भेजना चाहिए, लेकिन उस आपकी रिकमेंडेशन ये है कि वो जो है उसको उसका जो ट्रीटमेंट है या उसके साथ जो टीचर है उसको उसको अलहदा ट्रीट करना चाहिए या वहां पर एक उसके लिए एक अलहदा प्लेस होनी चाहिए, ये मुझे हमें इस पे क्लैरिटी चाहिए थोड़ी सी। जी, इसमें ये होता है कि जिस टाइम स्टार्ट होता है, यानी हमारे पास बच्चे 2.5 साल की उम्र से भी आ जाते हैं, 2 साल की उम्र में भी आ जाते हैं, तो जिस टाइम थेरेपी स्टार्ट होती है कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक स्कूल की, यानी स्कूल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये बच्चा एटलीस्ट ये चीज़ें करता हो, ठीक है। इवन यानी प्रीके में भी अगर वो ले रहे हैं जिसमें सिटिंग स्पैन है, टॉयलेट ट्रेनिंग है, ठीक है, ऑटिज्म वाले बच्चों को अक्सर यानी अक्सर नेचुरली टॉयलेट ट्रेन इजीली हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल होता है टॉयलेट ट्रेन करना। तो इसमें ट्रांजिशन हैंडलिंग है, यानी एक बच्चा अक्सर बच्चे फिक्स हो जाते हैं कि मैंने जिस टेबल में मैं बैठा हूँ मैंने इसी पे बैठे रहना है, या मैं जिस रूम में हूँ मैंने इसी में रहना है, मैंने इससे बाहर नहीं निकलना, तो चेंज को पसंद नहीं करते ज़्यादा। तो ये ट्रांजिशन को हैंडल करना ये बच्चे को आता हो, कमांड फॉलोइंग उसके पास कुछ ना कुछ यानी इस हद तक हो कि वो उनको बच्चों को टीचर को एटलीस्ट उसकी कमांड फॉलो करे, ठीक है, थोड़ा सा फोकस कर सके, टीचर की बात सुन के समझ सके। तो अगर वो बेसिक लेवल पे इंटरेक्ट कर सकता है तो फिर वो क्लासरूम में डायरेक्ट जा सकता है, अगर नहीं तो फिर जैसे हमारा सेंटर है, हम ट्रेन कर बच्चों को, इस हमारा जो प्रोग्राम है उसे हम कहते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जो कि हम यहाँ पे रन करते हैं, उसमें बच्चों को हम स्कूल के लिए रेडी करते हैं बेसिकली, और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कुछ बच्चों को 6 महीने लगते हैं, कुछ को साल लगता है, कुछ को 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, ठीक है। फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें से कुछ बच्चे बड़ी जल्दी यानी हमारा एक शेडो जाता है स्कूल में उसके साथ, बच्चे के साथ शेडो टीचर, और वो उसको हेल्प आउट करती है जल्दी क्लाइमेटाइज में, तो शेडो को फिर बाद में फेड आउट करना होता है। जब शेडो को हम फेड आउट करते हैं और शेडो अब अगर 2 महीने से स्कूल नहीं गई और बच्चा अपनी क्लास में बिल्कुल सही प्रोग्रेस कर रहा है, टीचर को अटेंशन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी रेशो कम होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्कूल यानी क्लास में उसके फ्रेंड्स कितने हैं, उसको सपोर्ट कितना कर रहे हैं, टीचर कितना सपोर्ट कर रही है, स्कूल कितना सपोर्ट कर रहा है, यानी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे ठीक है, उनके उनकी जो ये मेंटल डिसऑर्डर है उसके लेवल्स हैं, और वो डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं कि उसमें टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का, बाकी सब लोगों का, तो दैट मींस के इन द लॉन्ग रन ऐसे बच्चे इस मेंटल डिसऑर्डर जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं, ऑटिस्टिक जो ये जो एक डिसऑर्डर है, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और ये बच्चा एक नॉर्मल चाइल्ड के तौर पर आ सकता है, मैं ये समझ पाऊँ क्या इस बात से? इसमें ये होता है कि इसमें वाकई डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी मेनली तो 3 कैटेगरीज इस टाइम सबसे ज़्यादा कही जाती हैं, जिसमें माइल्ड है जो कि सबसे कम होती है जिसके सिम्टम्स, फिर मॉडरेट है, फिर सवेयर है। तो इसमें बेसिकली होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लासरूम में यानी अपने उन्होंने क्लासरूम फिनिश की, कॉलेज फिनिश किया, इवन वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी में उन्होंने डिग्रीज की हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ऑटिज्म के जो अब खुद ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, यानी बड़े हो गए एक्सपर्ट बन गए वो इस फील्ड के। तो यानी यहाँ इसमें लेकिन ये कि 100% आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, मसलन हमारे पास जो भी बच्चा आता है सारे बच्चों में सेम अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो हर बच्चा डिफरेंट उसका रिजल्ट देगा। कोई बच्चा अगर यानी 3 महीने में एक चीज सीखता है, दूसरा बच्चा 2 साल में वो चीज जाके सीखता है, तो इसमें ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये कोई सेंटर भी आज तक हमने यानी इवन हमारे जो साथ है वो यूके लंदन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये टाइमलाइन दी हो कि ये बच्चा कितने अरसे में ठीक हो जाएगा। हाँ, प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस किसी की स्लो है किसी की फास्ट।
ठीक है, ये थैंक यू, बहुत थैंक सारे लोग बात करना चाह रहे हैं हसन, यू। जी जी ये जो है सहर जो है वो बात करना चाहिए। सहर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सहर जी, अस्सलाम वालेकुम। हसन, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से ये होता है ना कि अगर ये बच्चे आपके साथ कहीं मॉल में या कहीं बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे और कभी इनका मूड खराब हो जाता है, तो अक्सर लोग पेरेंट्स को बड़ा खराब तरीके से जज करते हैं, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं, क्योंकि इमोशनली पेरेंट्स बड़ा यू नो डिसहार्टेंड फील करते हैं जब इस तरह की हरकतें होती हैं। जी जी, ये तो हमारे हमने खुद यानी ये बहुत ज़्यादा फेस किया, क्योंकि मैं जाता था आउटिंग्स पे बच्चों के साथ मॉल में, पार्क्स में, तो इवन हमें एक दफ़ा कुछ ख़वातीन ने रोक लिया कि आप इस बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा जाहिर है वो ज़मीन पे लेटा हुआ था और चीखें मार रहा था। तो जब बिहेवियर आता है या टेंट्रम आता है बच्चे का, तो वो उस टाइम सेंसेस लूज कर जाता है, इन सेंस में कि उसके लिए वो एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली सिचुएशन होती है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। तो वो उस टाइम अपना पूरा एहतजाज या प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाता है। और अब जैसे अगर आपने कभी अगर आप लोगों ने देखा हो मॉल में या कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं भी कि एक बच्चा ज़मीन पे लेट के बहुत ऊंचा ऊंचा रो रहा है और कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और यानी माँ बाप से भी नहीं हो रहा और किसी से नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे कोई भी कमेंट पास ना करें, आप जज ना करें, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे को ऑटिज्म हो। इसमें बहुत सारी इतनी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन बच्चों का आप इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि हम लोगों का एक टॉलरेंस लेवल होता है, हर इंसान का डिफरेंट होता है, ठीक है। मुझे अगर सुबह से शाम तक 8-9 लोग बुरी बात कह के जाएंगे, तो हो सकता है 8वीं या 7वीं दफ़ा में मैं उस पर रिएक्शन दे दूँ, ठीक है। लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चों का जो टॉलरेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है, छोटी छोटी बात पे भी ट्रिगर हो सकता है, और ये इसमें इनका बेसिकली फॉल्ट नहीं होता, उनकी ब्रेन की वायरिंग इसी तरह होती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स यही शामिल होते हैं, बचपन में उनका बचपन कैसे गुजरा है, ठीक है, वो ऑटिज्म के किस लेवल पे हैं, सिवियर पे हैं या मॉडरेट पे हैं, ठीक है। तो इसमें जज नहीं करना चाहिए, और अगर आपको कुछ आइडिया है कि ऑटिज्म वाले बच्चे कैसे काम डाउन करते हैं, तो आप जस्ट पेरेंट्स से पूछ लें या उसको एटलीस्ट इतनी हेल्प ऑफर कर दें कि आप बच्चे को देख लें, मैं आपकी चीज़ें देख लेता हूँ, ठीक है। तो और डू यू नीड एनी हेल्प, ठीक है, एटलीस्ट इतना आप उससे पूछ लें। अगर पेरेंट आपसे हेल्प मांग ले तो आप उनसे उनकी हेल्प करें। और इसमें अब जैसे हमने मॉल में एक दफ़ा आउटिंग रखी थी, वहाँ पे एक बच्चे को टेंट्रम आ गया, तो उसको टेंट्रम आया, उसने अपनी शर्ट भी उतार दी, और हमने क्योंकि मॉल से पहले से यानी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की हुई थी, तो हम उसको फौरन यानी हमने उनसे कहा था कि हमें एक सेफ स्पेस चाहिए जहाँ पे हम बच्चे को काम डाउन कर सकें। तो हमने उनसे पूछा कि वो जगह अवेलेबल है, उन्होंने हमें यानी बहुत कोऑपरेटिव थे वहाँ पे मैनेजर, वो साथ साथ ही थे बेसिकली हमारे साथ, तो वो हमें फौरन ले गए वहाँ पे। वहाँ पे हमने उस बच्चे को कुछ पोइम्स सुनाई, कुछ राइम सुनाई, और तकरीबन उसे 15-20 मिनट लगे, और उसके बाद उसने 1-2 घंटे काफ़ी इंजॉय किया वहाँ मॉल के अंदर। बेसिकली वो ट्रिगर होता था जो आपने मॉल में देखी होगी, एक स्वीपिंग वाली मशीन फिर रही होती है, एक शख्स ऑपरेट कर रहा होता है जिस जो कि स्वीप करती जा रही होती है, तो उसकी वॉइस से वो ट्रिगर हुआ था बच्चा। तो यानी जब हमने मॉल मैनेजमेंट को कहा, तो उन्होंने उसको 1 घंटे के लिए साइड पे कर दिया, ये ठीक है यार मशीन से। इसी तरह हमने म्यूजिक का उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि म्यूजिक आप थोड़ा लो वॉल्यूम में कर दें, जो मॉल में म्यूजिक लगा होता, तो वो भी उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया था। इस तरह यानी पार्क का मैंने आपको बताया कि जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा था, तो हम उसे सेफ स्पेस की तरफ ले जा रहे थे, थोड़ा सा हमें उठा के ले जाना पड़ता है बाज़ बार ऐसी सूरत में, क्योंकि बाज बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं। तो सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड सेफ्टी ऑफ दैट चाइल्ड, वी हैव टू टेक हिम इन अ सेफ स्पेस जहाँ पे वो काम डाउन हो सके। यूजली ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा जजिंग पीपल उसको देख रहे होते हैं या जज कर रहे होते हैं, तो वो उनकी आई कॉन्टैक्ट से बच्चा ज़्यादा ट्रिगर होता है, इसलिए उसको नया जगह पर ले जाना बड़ा ज़रूरी होता है।
हम जब एक बच्चे को इस तरह उठा के ले जा रहे थे तो हमें दो खवातीन ने अप्रोच किया कि आप ये बच्चे को क्यों उठा के ले जा रहे हैं और ये क्यों चीखे मार के रो रहे हैं। तो हमने कार्ड अपना यानी बनाया हुआ था और मॉल को भी पता था, मॉल की सिक्योरिटी को पता था। हमने बताया कि ये मॉल की सिक्योरिटी को पता है कि हम यहाँ पे इन बच्चों को ट्रेनिंग करवाने लाते हैं, ये इनकी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है कि ये क्राउड को हैंडल कर सके, ठीक है यहाँ पे ये, क्योंकि घर में रखना मसले का हल नहीं है। अगर बच्चे को बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाएगा वो और ज्यादा डैमेज करता है, तो उसको एक्सपोजर देना जरूरी होता है, लेकिन एक्सपोजर में कंट्रोल्ड एक्सपोजर का लफ्ज हम यूज करते हैं कि यानी जैसे हम मॉल की सिक्योरिटी से पहले से बात की थी ताकि कोई भी इस तरह के इवेंट में सिक्योरिटी को पहले से ही पता हो कि हम एक बच्चे को ट्रेनिंग के लिए लेके आए हैं। इसी तरह हमने अपने कार्ड्स पहले से यानी प्रिपेयर किए हुए थे, जो कि हमने कार्ड्स उनको दिखा दिए कि हम इस इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हुए हैं और इस बच्चे की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो हमने उन खवातीन को दिखा दिए थे जिनको डाउट हुआ था। तो अगर इस तरह का आप देखें तो आप जरूर पूछें हमसे कि ये आप यानी आप आइडेंटिफिकेशन जरूर पूछें, लेकिन जो लोग भी उस बच्चे के साथ केयर गिवर होते हैं पेरेंट्स या थेरेपिस्ट, वो उनको पता होता है कि इस बच्चे को किस तरह काम डाउन करना है, लेकिन उसके पहली शर्त ये है कि उसको आइसोलेट करना पड़ता है। असलकुम, मैंने आपसे पूछा था कि अभी आपने जिक्र किया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जो ऑटिज्म के बच्चों को मतलब ट्रेनिंग देते हैं, डिफरेंट उनको मतलब नॉर्मल शेडो टीचर भी ऐसा रहते हैं उनके साथ आगे तक। तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना था कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ आप भी काम कर रहे हैं और जो इसके अंदर काफ़ी डिवेल्प्ड हैं लाहौर में या और आगे पाकिस्तान में, तो इसके बारे में थोड़ा इसमें ज़्यादा। जी, इसमें ये है कि एक तो आपको गूगल से हेल्प मिल सकती है, यानी अगर आप जहाँ पे भी लोकेटेड हैं आप अपने एरिया में सर्च कर सकते हैं ऑटिज्म लिख के, तो आपको अपने करीब तरीन सेंटर का पता चल जाएगा। अब जहाँ तक बात है, यानी मैं पर्पल डोर में काम करता हूँ, पर्पल डोर लर्निंग स्पोर्ट्स सेंटर जो कि रावलपिंडी में है। तो अगर आपने इसमें, मैं पेरेंट्स को बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने किसी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटर भी बने हुए हैं जो कि बहुत पुरानी अप्रोचेस फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा ये आप कहना मेरे लिए मुश्किल है ये बात। ये एग्जैक्टली मसला है कि क्योंकि वो पुरानी अप्रोचेस यूज़ करके या कुछ इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी या मतलब थ्रू आउट नहीं रहते साल बच्चे या मतलब सही से हमें वो नज़र नहीं आती उसके अंदर डेवलपमेंट या फ़ायदा नज़र नहीं आता किसी स्कूल्स का, काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए हैं तो वो मसला रहता है कि चेक करने का एक तरीका बता देता हूँ, किसी भी सेंटर को हेलो। चेक करने का तरीका बता देता हूँ। जी, आप एक मिनट म्यूट करें अपना माइक। बेसिकली ये मैं सारे पेरेंट्स को बताता हूँ कि अगर आपने किसी सेंटर की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप सबसे पहले देखिए उनका, जैसे हमारा फेसबुक ग्रुप है ठीक है, और उसमें हमारे जितने भी पेरेंट्स जिन्होंने हमसे सर्विसेज ली है पास्ट में या इस टाइम ले रहे हैं वो लोग वहाँ पे हैं, तो आपको वहां से रिव्यूज मिल जाएंगे, और सबसे बेहतर रिव्यू आपको कोई और पेरेंट ही दे सकता है जिसने सर्विसेज ली हो किसी सेंटर में ठीक है। तो अगर हम बेसिकली अपने आप आज तक अपनी मार्केटिंग नहीं की क्योंकि हमारे पास इस टाइम 20+ बच्चे हैं और हम ज्यादा फोकस रखते हैं प्रोग्रेस के ऊपर, यानी हमने नंबर्स पे कभी बिलीव नहीं किया कि हमारे पास 100 बच्चे हो जाएंगे या 150 बच्चे हो जाएंगे सेंटर में। हम बिलीव करते हैं कि 20 हैं तो 20 में प्रोग्रेस आनी चाहिए, मेन चीज़ ये है कि जितने हमारे पास बच्चे हैं उनमें प्रोग्रेस आनी चाहिए, और हमारे पास जितने भी नए बच्चे आते हैं वो बेसिकली जो पेरेंट्स हमारे पास हैं वो उनके फीडबैक से आते हैं, वो खुद आगे लोगों को बताते हैं और इसी वर्ड ऑफ माउथ से हम बेसिकली एडमिशन हमारे पास आते हैं, हमने कभी इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। तो इसको आप ऐसे किसी शख्स से भी लें इसका फीडबैक जिसका अपना बच्चा ऑटिस्टिक हो और वो किसी सेंटर में 2-3 साल से जा रहा हो, और वो आपको अगर अच्छा फीडबैक देता है तो आप उस सेंटर को अप्रोच कर सकते। थैंक यू। मैं
मेरा ख्याल है मिस फिजा आपसे बात करना चाहती है। मिस फिजा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मेरी दो आपसे एक तो क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक मिनट। ओके सॉरी। एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑटिज्म के जो भी स्पेक्ट्रम होता है उसको पेरेंट्स के लिए उसको एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है, और मैं आपसे इस रेफरेंस से बात कर रही हूं कि हमारी इमीडिएट फैमिली में एक बच्चा है और उसकी मदर खुद MBBS डॉक्टर है फ्रॉम अ रेनाउंड कॉलेज, और उस बच्चे को हम बचपन से देख रहे हैं और वो हमेशा सेक्लूडेड रहता है, उसका आई कांटेक्ट जीरो है और उसका कोई उसकी फ्रेंडशिप नहीं है, डेवलपमेंटल डिले, सिंस आई एम अ टीचर तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं नोटिस कर रही हूँ, लेकिन जब भी हमारी उनकी मदर से बात होती है तो वो कहती है नहीं बच्चा सुस्त है, नहीं बच्चा शाय है, तो फिर ऐसे मुझे ये भी पूछना है कि क्या ऐसे बच्चे फिर उनके लिए हैंडलिंग या उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी ये चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं, तो एक तो इस टैबू को कैसे पेरेंट्स को बताया जाए कि ये इतना सीरियस नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो हर तरह की जो भी मेंटल कोई भी आपको इशू है तो उसका बहुत सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज है बहुत ज्यादा, ये कि उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते लोग, और स्कूल्स में भी यही हो रहा है कि हम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, ना पेरेंट आइडेंटिफाई, वो समझते हैं कि उसका बच्चा टैग हो गया है बस। ये इसमें ना मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, बेसिकली इसमें दो दो डिफरेंट रुख हैं इस चीज को देखने के। एक तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमने, यानी जब हम पाकिस्तान में आए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इशू था, अक्सर पेरेंट ने हमें आके कहा कि खुद बताया हमें कि हम डिनाइल में रहे 7 साल 8 साल हम डिनाइल में रहे, तो पेरेंट्स अक्सर डिनाइल में चले जाते हैं और यानी अगर कोई उनको बताए भी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि इस बच्चे को कोई इशू है, क्योंकि देखिए इसमें इमोशनल, यानी मैं अपने बच्चे के साथ मेरे इमोशनल अटैच है, तो कोई भी शख्स ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली अगर आप ऑटिज्म की, यानी अगर आपने ऑटिज्म अडल्ट्स में देखा हो और अगर स्वेयर लेवल पर देखा हो तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म, लेकिन जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आगे नहीं चल सकते। यानी इसमें अब जो एक लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो इस पे काम कर रही है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द किड, लाइक इट्स द किड मदर एंड फादर, इट्स अ ट्राइंगल, लाइक द पूरी रिलेशनशिप को हमने फिगर आउट करना है और उसको बेहतर करना। रिलेशनशिप बेहतर होती है तो बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं उससे। यानी अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि वो अपने बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते ऑटिज्म की वजह से, क्योंकि वो बच्चा उनको नहीं समझ पा रहा होता और वो बच्चे को नहीं समझ पा रहे होते। और एक चीज ये भी है कि एक ये रिसर्च भी है कि जो ओवर क्वालिफाइड पीपल होते हैं उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि मेरे बच्चे को कोई इशू है। लाइक आपने सुना होगा कि जीनियस का बच्चा जीनियस होता है, हाई क्वालिफाइड पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, तो ये भी एक टैबू है जिसके वजह से, यानी एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना इस चीज़ को। लेकिन जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम इसको उस बच्चे के लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो बाहर यानी बड़ा होकर इंडिपेंडेंट हो सके। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा जो कि जिसने एकेडमिकली उसने ग्रेड 8 भी नहीं किया लेकिन उसकी म्यूजिक सेंस अच्छी थी, तो उसको वो इंडियन बच्चा था, हमने दुबई में वहाँ पे हम मिले से, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी सिंगिंग की तरफ उसको फोकस करवाया और उसको उसकी सिंगिंग पसंद थी, तो नाउ ही सिंगिंग इन डिफरेंट ऑटिज्म कॉन्सर्ट्स, ऑटिज्म के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें वो गाने लग गया और लेटर ऑन उसको पे करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उसके पेरेंट्स ही उसके मैनेजर हैं और इस तरह वो बच्चा भी इंडिपेंडेंट है, और क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पे काम किया गया तो वो उस स्ट्रेंथ वजह से उसमें सोशलाइजेशन भी इम्प्रूव हो गई, अब वो कन्वर्सेशन भी करता है, अब उसकी एकेडमिक्स भी बेहतर हो चुकी हैं,
यानी इसमें हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि जी बच्चा 10 साल का हो गया तो इस क्लास में क्यों नहीं, ये कंसेप्ट हमें अपने जहन से निकालना पड़ेगा। और दूसरा जो इसमें डायमेंशन है वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ओवर डायग्नोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहाँ पे टीचर्स ने जो भी बच्चा थोड़ा सा मुश्किल होता था उसको एक्ट करना शुरू कर दिया कि इस बच्चे को कोई इशू है तो मैंने इसे क्लास में नहीं रखा जब तक पेरेंट्स डायग्नोज नहीं करवाएंगे। तो ये एक अलहदा ये डिफरेंट डायमेंशन है, या अगर एक फैमिली में एक बच्चा या बच्ची ऑटिस्टिक है तो उसके बच्चों ने यानी उसके बहन भाइयों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो क्लास में कम नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन ऑटिस्टिक है तो मैं भी ऑटिस्टिक हो सकता हूँ। तो ये दो रुखी तलवार है बेसिकली, तो इसको बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है। फिर एक अब लेटेस्ट रिसर्च ये भी है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट के अंदर फीमेल एडल्ट्स जो है ना वो डायग्नोज हो रही है, यानी 52 की एज में जाके डायग्नोज हो रही है ऑटिज्म। तो ये एक अलग से नई चीज स्टार्ट हुई है क्योंकि पहले ऑटिज्म का कहा जाता था कि चार बच्चों को अगर है तो तीन लड़के होते थे एक लड़की होती थी, अब ये कहा जाता है कि नहीं वो रेशियो बराबर ही है लेकिन लड़कियों को इमोशन ज्यादा अच्छे हैंडल करने आते हैं, उनकी सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छी होती हैं तो वो अक्सर उनका पता नहीं चलता, नेचुरली शाई होती है तो उनका बचपन में ना पता नहीं चलता, वो मास्किंग ज्यादा अच्छी कर लेती है, मास्किंग का वर्ड यूज किया जाता है अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए, तो ये नेचुरल स्किल होती है जो कि फीमेल्स में ज्यादा होती है। हसन आपसे बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं तो मैं बगैर टाइम जाया कि उनको कहना चाहती हूँ बात करें, मेरा ख्याल है मिस अनीसा भी यहाँ मौजूद है, मिस अनीसा जी अस्सलाम वालेकुम, आपका ये सुन रही थी बहुत ही मुफीद डिस्कशन जो है वो हो रही थी, अवेयरनेस जो है किसी भी प्रॉब्लम का जो पहला स्टेप होता है हैविंग अवेयरनेस। तो आपको पता है कि हम छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं टीच करते हैं अपनी जूनियर सेक्शन में, तो वाकई ये चेंजिंग ट्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली ऑटिज़म बल्कि और भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं रिलेटेड बच्चों में उसका थोड़ा ट्रेंड बढ़ रहा है। आई डोंट नो उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, हमारे डाइटरी पैटर्न्स हैं, हमारे लाइफस्टाइल्स हैं या क्या चीज़ें इस तरह की चेंजेस की वजह बन रही हैं, तो अवेयरनेस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें ऐसी बातचीत होती रहनी चाहिए। थैंक यू आसिया फॉर यू पीपल एंड फॉर हसन गिलानी, इट वॉज वंडरफुल टू हेयर दैट ऑल, थैंक यू मिस अनीसा। और मेरा ख्याल है कि अगर इमरान साहब हैं तो मैं उनको इनवाइट करूंगी, इमरान साहब को कि प्लीज आप आएं और आप भी अपना वैल्यूएबल इनपुट दें, और इसके अलावा मुझे नजर नहीं आ रहे लोग जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, अगर कोई है तो फिर आ जाएं। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि हम हसन से पूछते हैं आज के प्रोग्राम के की टेक अवे, आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टीचर्स, आप टीचर्स को क्या एडवाइस करते हैं कि वो अगर उनकी क्लास में कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसको वो कैसे डील करे। वैसे तो आपने एम्पैथी और कंपैशन लिखा था, मैं ये भी पूछूंगी कि एम्पैथी और कंपैशन हम इस पर लोगों को कैसे ला सकते हैं, मतलब खास तौर पे हम ये वाली चीज, इससे इतनी सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं तो इस पे हम लोगों को कैसे ला सकते हैं, ये और टीचर्स को आप कोई एडवाइस करें। और मिस नम्रा इज बैक, मिस नम्रा इज बैक, ओके ओके, ये आखिर में सवाल है हसन आपसे तो जी जी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये हम डिस्कस करें, ठीक है। तो ये जी मिस निशात आ गई है, मिस निशात जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एम आई ऑडिबल, यस यस लाउड एंड क्लियर जी। मुझे ये पूछना था कि एज ए टीचर किसी ना किसी ग्रुप में कोई ना कोई एक बच्चा, बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत बच्चे नहीं होते लेकिन किसी एक ग्रुप में कोई एक बच्चा आ जाता है और किसी वक्त पे वो ऐसे ट्रिगर आउट भी हो जाता है, तो आप हमें सजेशन देंगे कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए,
क्योंकि अक्सर स्कूलों में मोस्टली ऐसा होता है कि टीचर कोई अवेलेबल नहीं होता है, यानी हेल्पर टीचर भी नहीं होता, ना हम किसी की उस टाइम में हेल्प ले सकते हैं कि कोई साथ में हमारे वहां पे आके उस बच्चे को हेल्प आउट कर दे या बाहर ले जाए या फिर कहीं ऑफिस में उसको भेजा जा सकता है, या मिस मतलब उस वक्त ऐसा प्रॉब्लम होता है कि क्लास को भी नहीं छोड़ा जा सकता है और उस बच्चे को भी हैंडल नहीं किया जा सकता है। जी प्लीज। जी अच्छा, इसमें बेसिकली क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस ना दुबई के स्कूलों का, यानी वहां से स्टार्ट हुआ था, तो मैं थोड़ा सा वहां का बता देता हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी स्कूलों की बात करता हूँ। दुबई में बेसिकली, दुबई में जितने भी टीचर्स हैं ना, उनको एटलीस्ट बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल एजुकेशन का या तो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, या एक साइकोलॉजिस्ट क्लास में होती है, यानी स्कूल ने हायर की होती है, वो उनको परमानेंट बेसिस पे मंथली सैलरी देते हैं। और अगर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है तो वो स्कूल एटलीस्ट जैसे 1000 अगर बच्चे हैं उनके टोटल, तो उसमें वो 10 से 15 या ज़्यादा भी स्पेशल बच्चे ले लेते हैं। और अगर नहीं तो वो सपोर्ट करते हैं, जैसे सेंटर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि जैसे हमारी मैम सहर जो है वो दुबई में, उन्होंने काम किया काफ़ी अर्से मैनेजमेंट लेवल पे, तो वहाँ कोई बंदा हेड लेवल पे जा ही नहीं सकता अगर उसने स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज ना किए। और स्पेशल एजुकेशन की उन्हें बाकायदा पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं कि अगर स्पेशल एजुकेशन बच्चा आएगा क्लास में तो उसको किस तरह केटर करना है, उसकी क्या नीड्स हैं, यानी वो पूरा एक प्लान के साथ चलते हैं। ये मैं आपको दुबई के स्कूलों को बता रहा हूँ, वहीं से फिर हम ये चीज़ यहाँ लेके आए। यहाँ पे ये था कि यहाँ पे 100 में से 90 स्कूलों को पता ही नहीं है ऑटिज्म का, यानी जो हमने स्टार्टिंग में जब हम आए यहाँ पे 6 साल पहले और हमने स्कूलों को अप्रोच किया कुछ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं था कि ऑटिज्म है क्या। इवन कि गवर्नमेंट सेक्शन में मैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट गया हूँ गवर्नमेंट के, तो उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ 4 चीज़ों का पता है, डेफ, म्यूट, ब्लाइंड एंड डम, इस 4 से अलावा हमें कोई कोई चीज़ नहीं पता। तो यहाँ पे अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। पहले इसकी रेशो 1 in 44 चिल्ड्रन थी, अब इसकी रेशो कम होकर 1 in 32 चिल्ड्रन हो गई है, यानी हर 32 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म वाला हो सकता है। ठीक है, तो अब क्लासरूम में ही 32 बच्चे होते हैं तो इसका मतलब हर स्कूल में एक बच्चा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका पता नहीं चलता, इवन बड़े होके भी नहीं पता चलता। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं वो अडल्टहुड में जाके डायग्नोज हो रही हैं। और इसमें अब जैसे अगर आपके पास क्लासरूम में एक बच्चा है जो कि नॉर्मल बच्चे भी एक्ट आउट कर जाते हैं और वो मुश्किल होता है, तो बाहर तो बकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है टीचर को कि अगर बच्चा एक्ट आउट करेगा तो आपने क्या करना है, यानी उन्होंने बकायदा प्लान आउट पहले से किया होता है। तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपको कुछ सीनियर टीचर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है एक बच्चा, इसमें डिपेंड भी करता है कि वो बच्चा किस तरह एक्ट आउट करना है। फिर हम ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी आपके लिए क्लास चलाना मुश्किल हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 1 month, कि पूरा 1 month आपके लिए क्लासरूम चलाना मुश्किल हो रहा है, फिर आप उनके पेरेंट्स से कहें कि जी ये बहुत मुश्किल हो रहा है इसको लेके चलना, आप इसका चेक करवाएं अगर इसको ज़रूरत है एक्स्ट्रा नीड की। तो अगर ये चीज़ डायग्नोज होगी और हमें पता चलेगा कि इसके क्या इश्यूज हैं इस बच्चे के, तो फिर हम इसके साथ ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं। और काउंसलिंग होती है, स्टूडेंट काउंसलिंग होती है इस तरह के बच्चों की ना, जैसे मैंने आपको बताया कि साइकियाट्रिस्ट होती है मोस्टली स्कूलों में, वो इस तरह के बच्चों की जो क्लासरूम डिस्टर्ब करते हैं उनकी काउंसलिंग करती है उनको, यानी इनिशियली तौर पर वेट आउट करती है कि इस बच्चे को कुछ मेजर इशू है या नहीं है। और अगर वो कहती, क्योंकि बाज़ का देखें बच्चा जो होता है उस पर आजकल एक ये इशू भी आ रहा है, हमारी जनरेशन से स्टार्ट हुआ है कि हमने बच्चों पे बेइंतहा एक्सपेक्टेशंस डालने शुरू कर दी हैं। इतना हम अपने प्राइम मिनिस्टर से नहीं एक्सपेक्ट करते जितने हम अपने 2 साल के बच्चे से करते। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो बहुत ज़्यादा हमने बच्चों के ऊपर डाली हैं, ये
उनको बर्डन करती हैं, यानी वो नंबर्स का बर्डन, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का बर्डन होता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो एक्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें फिगर आउट करना पड़ता है बच्चे की साइकी को, और हमारी जो मेन टेक्निक है हमारे सेंटर की, वो ये कि हर बच्चे के साथ कनेक्ट करती है टीचर, और फर्स्ट 15 डेज होते ही बेसिकली रिलेशनशिप के हैं, कि टीचर जब तक कनेक्ट नहीं करती वो उस बच्चे को ना समझ सकती है और ना ही उसको लेके आगे चल सकती है। तो अभी जो जितनी भी अवेयरनेस के ऊपर बात हो रही है या काम हो रहा है, आई नो के पुराने तरीके की टीचिंग से हमें थोड़ा सा हटना पड़ेगा, क्योंकि ये नई जनरेशन के मसाइल हैं, तो इसके लिए हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा जितने भी टीचर्स हैं। तो इसके लिए जी मैं आपको एक स्कूल की अगर कहानी छोटी सी बता दूं जहां मैं विजिट किया था, वो ये था कि मैंने उनको जाके ऑफर की कि मैं आपकी टीचर्स को फ्री ट्रेनिंग देता हूं 2 घंटे की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने फ्री ट्रेनिंग दी, इन सब ने मुझे कहना है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। तो मैं तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता ना, कि यानी मैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है अगर वो एक्ट आउट कर, इससे ज्यादा हम यानी क्या कर सकते हैं। लेकिन वहां पे यही वो बात है जो कंपैशन और एम्पैथी आती है यहाँ पे, ठीक है, कि हमें अपनी सिर्फ हर चीज में ये नहीं देखना कि इससे हमें फायदा क्या होगा, क्योंकि अक्सर ये हमारी फील्ड में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये वर्कआउट नहीं करता ऑटिज्म को लेके, किसी जगह वर्कआउट नहीं करता, ये फायदे वाली बात है, ये टेक्निकल नहीं करता, लेकिन ऑटिज्म में बड़ा विजिबल है, ये बहुत विजिबल है कि जहां जहां भी एक जस्ट अगर एक बच्चे से हमारी जस्ट ये है कि पैसे आ जाए, ये इम्प्रूव करे या ना करे, अगर ये हमारा माइंड सेट होगा तो बच्चा इम्प्रूव कभी भी नहीं करेगा। तो ये इसमें सबसे पहले इंटेंशन आती है, और इसमें जो एक सबसे पॉपुलर कोर्स कराया जाता है जिसे RBT कहा जाता है, RBT में बकायदा एक चैप्टर है पूरा, जिसे जो कि एथिक्स का चैप्टर है, और वो पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि ट्यूटर्स ने दे ट्राई टू मैनिपुलेट पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो होता है हम बेसिकली वेट आउट करते हैं अपने, जो हम टीचर हायर करते हैं उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करते हैं, MSc साइकोलॉजी होते हैं वो, और उनकी इस चीज़ पे हम ट्रेनिंग करते हैं कि ये बच्चे के साथ वाकई कंप्रेशन से काम कर रहे हैं। अब क्योंकि हम इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, तो हमें बड़ी जल्दी आइडिया हो जाता है कि ये टीचर जस्ट फॉर सैलरी काम कर रही है या वो वाकई रिलेशनशिप बिल्ड करके बच्चे के साथ चल रही है। ये बात तो मुझे समझ आती है कि ये जो आज हमें ऑटिज्म समझा रहे हैं, ये खुद भी बहुत कंपैशनेट है, क्योंकि इसके बगैर तो आप नॉर्मल एक रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको यू हैव सम कंपैशन, तो जब ऑटिज्म में आपको इतना पेशेंस चाहिए तो विदाउट कंपैशन यू आर अनएबल टू कनेक्ट। तो ये तो हम इसको वेरी वेल अंडरस्टूड बात है, आप समझ आ रही है। मेरा ख्याल है मिस अनीसा आपसे बात करना चाह रही है, हसन जी मिस अनीसा जी, थैंक यू आसिया। हसन की जो बात है उस पर कमेंट करते हुए, वाकई में जो पहले सर्विस कभी फ्री मिल रही होती है, जिसकी हम अहमियत को जो है अंडरमाइन कर जाते हैं, तो हम चाहेंगे आप कभी भी हमारे साथ हम कनेक्ट करें एज अ स्कूल, FFC ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज, तो वहाँ आपके साथ कभी हम टीचिंग फैकल्टी बैठकर ये जो आइडेंटिफिकेशन है सर्टन बिहेवियर्स की और कैसे उसमें हेल्पफुल पैटर्न हो सकते हैं उनको, बच्चों को उनके डिफिकल्ट टाइम में उनको हेल्प करने के लिए, तो वुड लव टू हैव सम टाइम फ्रॉम यू, तो अगर आप हमें हमारे साथ इसमें कुछ कोलैबोरेट करें तो। और दूसरी जो बात मैं कहना चाह रही थी कि जो अवेयरनेस है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तो एम्पथाइज भी नहीं कर सकते, और फिर उससे अगले स्टेप नेक्स्ट स्टेप्स तो ले ही नहीं सकते। बच्चा किस इमोशनल ट्रॉमा में से या किस उसकी, जैसे हम कहते हैं कि दे आर वायर्ड अप डिफरेंटली,
तो उनकी तो अपनी दुनिया है ना, तो हम उनकी दुनिया में अगर हमें डाल दिया जाए तो हम भी अबनॉर्मल हो जाएंगे, उनकी उनके लिए हम अबनॉर्मल हैं, अबनॉर्मली बिहेव कर रहे, तो इसलिए थोड़ा जानना कोई बच्चा होता है उसकी सेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, और किसी चीज में वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होता, यानी उसके पीछे यानी अगर उसके कान के करीब अगर बहुत ऊंची आवाज में भी कुछ बज रहा है तो वो ही विल नॉट बदर, और कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो हल्की सी आवाज बाहर से कोई रिक्शा गुजर रहा है उसमें भी वो रोना शुरू कर देता है, तो वो उनके लिए टॉर्चर होता है अक्सर, और हमारे लिए हमें वो समझ नहीं आ रही होती क्योंकि हम उनकी प्लेस में नहीं होते। तो सबसे पहले वाकई उनकी इसमें हम एक कोड यूज करते हैं कि सबसे पहले उनकी उनकी दुनिया में आपको जाना पड़ेगा, फिर उनको अपनी दुनिया में लाना पड़ेगा, या उनकी जबान समझनी पड़ेगी फिर आप वो आप उन्हें अपनी जबान सिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा जितने बच्चों से एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा जो कि बॉडी लैंग्वेज ना पढ़ सकता हो, दे कैन इन अ सेकेंड दे कैन टेल लाइक कि भी आप उनके साथ सिंसियर हैं या नहीं है, कंपैशन एम्पैथी बॉडी लैंग्वेज ये वो बहुत तेजी से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि शायद कम्युनिकेशन स्किल वैसे वीक होती है तो ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है टच में भी जो वे फील को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, आंखों में जो अगर उनको आप आए कॉन्टेक्ट किसी तरह मेंटेन कर लें और वो फिर भी वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, मैंने देखा है कि जरा सा एक प्यार भरा शोल्डर पे उनके हाथ रखते हैं तो दे लुक एट यू, जो जितने बच्चों से मेरा वास्ता पड़ा है, और फिर आप कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि असल में कनेक्ट करना ही सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे बच्चों के साथ, देन दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग यू बैक। जी, इसमें अक्सर हम पेरेंट्स को ये टिप भी देते हैं कि आपने सबसे पहले प्ले करना है, वो हमें कहते हैं नहीं आप हमें बताएं कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, इसको एबीसी कैसे पढ़ानी है, हम कहते हैं नहीं आप सबसे पहले फोकस करें कि आपने इसके साथ खेलना कैसे है और इसके साथ शेयर अ स्माइल, अगर आप इसके साथ 15 मिनट की एक्टिविटी में ये भी हंस रहा है और आप भी हंस रहे हैं तो हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है, हमारे पास भी पहला स्टेप यही होता है बच्चे का जब हमारे पास सेंटर में बच्चा आता है। पहला स्टेप यही होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग का, हम ऑनेस्टली यानी जो भी हमारे पास आता है हमने कोशिश की अपने सेंटर की जो वर्किंग है उसको ट्रांसपेरेंट रखें, तो हम पेरेंट्स को पहले दिन ही यानी जब वो विजिट करते हैं देखने के लिए तो हम बता देते हैं कि 15 दिन आपने हमसे ये नहीं पूछना कि इसने क्या किया, क्योंकि 15 दिन हमने सिर्फ इससे रिलेशनशिप बनाना, इसको फ्रेंड बनाना, 15 दिन के बाद हम काम शुरू करेंगे, और फिर उसमें जाहिर है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, कोई 2 महीने बाद रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, कोई 3 महीने बाद देना शुरू करता है, तो वो हम यानी दो चीज़ें हम ट्रांसपेरेंटली बता देते हैं कि एक तो टाइमलाइन हम नहीं दे सकते कि कितने टाइम में इम्प्रूव करेगा, और दूसरा ये कि फर्स्ट 15 डेज जो है वो जस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग के होते हैं। तो असल मैं ये पूछ रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और वैसे भी इस तरह जानना चाहते हैं कि आप उनको उनके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प आउट भी कर सके, तो जैसे मिस अनीसा ने आपको एक इनविटेशन यहीं से दिया। जी, मैं अपना फेसबुक पेज शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, वो भी शेयर करें। मैं एक और बात भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ है कि आप ऑनलाइन भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कोई लोग दूर हैं और वो इस पे हेल्प चाहते हैं तो कोई ऑनलाइन सर्विस है? ऑनलाइन में तो देखें कंसल्टेशन ही हो सकती है ना ऑनलाइन में, यानी अब बच्चे के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ आप जब तक यानी आपको क्योंकि उसकी अटेंशन लेनी पड़ती है, अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं वो इतना शेल में अपने क्लोज होते हैं कि दे आर नॉट लाइक वो शुरू में देखते भी नहीं ना टीचर की तरफ, इग्नोर करते हैं टीचर को, ठीक है। तो अब जाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि उसको क्यों उस शेल में गया हुआ है, एक प्रोटेक्टिव शेल में चले जाते हैं। इसमें मेरे ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जब कोई यानी बच्चे ऑटिज्म वाले बच्चे को जब एक हल्का फुल्का ट्रामा भी अफेक्ट करता है ना, तो उसमें PTSD जो पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसके कुछ सिम्टम्स नजर आए, ठीक है, तो यानी खामोश हो जाना, यानी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं और पेरेंट्स ने भी बताया कि जी 5 साल तक तो बिल्कुल ठीक बोलता था और स्कूल भी जाता था, सब कुछ सुनाता था, सूरतें भी याद थी, लेकिन 4 साल की उम्र में पता नहीं क्या हुआ, ये उसके बाद चुप करके अब बोलता नहीं है, अब आई कॉन्टेक्ट नहीं देता। तो ये 2-3 केसेस हमने ऐसे सुने और वो बेसिकली अपने आप को एक शेल में क्लोज कर लेते हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है आउटर वर्ल्ड के साथ इंगेज करना, तो वो अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और वो उसमें ही नहीं है, वो उनका बेसिकली ब्रेन का कोपिंग मैकेनिज्म है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है ब्रेन का जिंदा रहने के लिए, तो वो ब्रेन उसको एक्टिवेट कर देता है। और वो हम लोगों में भी होता है, इसकी फौज में जो फौज जंगों में जो जाते हैं उनके अंदर भी ये चीज देखी जाती है PTSD, तो उसमें से उसे निकालना पड़ता है कि भी ट्रस्ट, उसे ट्रस्ट टीचर के ऊपर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक टीचर चाहे सारी उम्र उसे ABC सिखाती रहे वो कुछ भी नहीं सीखेगा। अच्छा, मैं समझती हूँ हसन, आपने जो ऑटिज्म पे बातें बताई वो एक बेस्ट टीचर को ट्रेन करने की बातें थी, ये एक सिर्फ ऑटिज्म पर ही ट्रेन करने की बात नहीं, पेरेंट्स भी, पेरेंट्स के लिए मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ कि पेरेंटिंग एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे स्कूलों हायर क्लासेस में, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है कुछ जो ओल्ड विजडम था उससे, और दरमियान में एक जनरेशन आई जिसने ओल्ड विजडम को तर्क कर दिया बेसिकली, और उनको ना न्यू विजडम मिली ना ओल्ड विजडम मिली, तो वो दरमियान के डिस्कनेक्ट में एक जनरेशन हमारी डिस्कनेक्ट में गुजरी है, तो ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कहती हूँ कि ये जो बातें की है ना हसन आपने, ये इतनी कीमती है, इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है और इतना मच नीडेड टर्म्स है कि इसकी जरूरत सिर्फ ऑटिज्म वाले पेरेंट्स को नहीं है, हम सबको है, यानी आपके ओवरऑल सबको, यानी आपका जो सेशन है इसको अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट सोचूं तो आपने इसके अंदर इतने सारे सॉल्यूशंस प्रॉब्लम को बताते हुए कोट करते हुए बताए, जैसे आपने दुबई के स्कूल में पढ़ाया तो आपने ये बताया कि वहां स्कूल्स में ए टीचर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग ऑल थिंग्स, बल्कि ये कंपल्सरी है टीचर्स के लिए कि अगर वो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने आ रहा है तो उसके लिए कंपल्सरी है कि वो स्पेशल एजुकेशन का उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, एक कोर्स उसके पास ये वाली बात होनी चाहिए, दूसरा ये कि स्पेशल एजुकेशन वाला पोर्शन उन्होंने अलहदा रखा हुआ है, एक साइकोलॉजिस्ट अलहदा रखी हुई है, तो अगर स्कूल्स के अंदर ये चीजें मौजूद हैं तो कितना वो उनको डीलिंग जो है आसान हो जाती है, तो मुझे लगता है हमें भी हमारे सेशन होना चाहिए। जी जी, एक चीज उन्होंने और भी ऐड की हुई है, वो वहां पे ना हर क्लास में एक टीचिंग असिस्टेंट होती है, उसको TA कहते हैं, ठीक, टीचिंग असिस्टेंट जो होती है उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक भी हो सकती है, BA भी हो सकती है, मैट्रिक तक भी आप रख सकते हैं, ठीक है, और टीचिंग असिस्टेंट जो होती है वो बड़ी फन किस्म की होती है, यानी बबली सी पर्सनैलिटी होती है और वो बच्चों को इंगेज रखती है, और उसका काम एक ये भी होता है कि वो रिसोर्सेज, जैसे अगर एक्टिविटीज हो रही है डिफरेंट, पेंटिंग की एक्टिविटी हो रही है पूरी क्लास में, तो अब उसका काम है कि हर बच्चे को पेंटिंग की एक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, टीचर अपनी जगह पे है, यानी टीचर अपनी जगह नहीं छोड़ रही, टीचर हेल्प आउट करती है बच्चों को जहाँ पे वो देखे कि अगर TA से अलहदा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट मैंने वहां पे देखा था जो मुझे बड़ा पसंद आया था। नहीं, ये बड़ा अच्छा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये आइडिया वहां पर जो कम्युनिटी के स्कूल्स हैं वहां पर ये आइडिया लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि वहां कम्युनिटी होती है जो मिलके इस चीज को कर सकती है। सो आपके पास एक इनविटेशन तो यहीं से है, मिस अनीसा ने आपको एक इनविटेशन दे दिया, उसके अलावा यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर अपना वो फेसबुक का पेज भी शेयर करें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो आप एथिक्स का और जो आप एक पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें अगर आप यानी पेरेंटिंग, पेरेंट के लिए भी एक सेशन जो कि ऑटिस्टिक चाइल्ड को डील करते हैं, कर रहे हैं, अगर वो भी कुछ सीखना चाहें ऑनलाइन, तो आप हमारे फोरम से एक अपना ट्रेनिंग सेशन जो है लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग हैं जो अगर दूर हैं
तो वो आपसे बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट है हमारी टीम की तरफ से। ठीक है जी। सो आपका जो सेशन है वो बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा कि हम, मेरा दिल चाह रहा कि आपसे बात करते रहे, लेकिन हमारे सेशन का टाइम है खत्म होने वाला और आपने लिंक हमसे शेयर कर ली है। और अभी भी मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बात करना चाहता है तो हसन यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और हसन आप हमें कोई एडवाइस कर दें, आपका सारे सेशन से इतनी यूजफुल बातें हमें मिली हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो एक आप आखिरी अपना की टेक अवे हमें दें कि हम जो है उसको अपने पल्ले से बांध लें और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करें हर जगह पे। जी फिर उसके साथ खत्म करेंगे सेशन को। जी बताइए हसन। अच्छा इसमें एक लास्ट जो मैं एस्पेक्ट जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है लेकिन हमें डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, वो है रिलेशनशिप्स का। जो मैंने आपको बताया कि अब जो मॉडर्न रिसर्च जिस तरफ जा रही है वो इसको पूरी ट्रायंगल के तौर पे देखता है, मदर फादर एंड द चाइल्ड। ठीक है, तो उसके अंदर जितना ज्यादा यानी सेम पेज पे होंगे ना मदर और फादर, उतना जल्दी अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। यानी ये हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने बड़ी मिराकुलसली स्पीड पे यानी प्रोग्रेस किया ना, उसमें ये हमने देखा कि मदर और फादर दोनों सेम पेज पे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करनी। तो वो जाहिर है कि यानी इसमें एक रिलेशनशिप का डायमेंशन है जो कि डिस्कस नहीं की जाती लेकिन ये डिस्कस करना जरूरी है। दूसरे लफ्जों में हसन मुझे ये बात समझ आ रही है, आप जो बात कह रहे हैं मुझे ये बात समझ आ रही है कि जो ऑटिज्म है या ऑटिस्टिक चाइल्ड है वो गिफ्टेड होता है एक एक्सट्रीम सेंसिटिविटी के साथ, कि उसको जो भी चीज है जो अगर कोई परेशानी है तो वो भी वो मैटर ऑफ सेकंड में उसको एब्जॉर्ब करता है, और अगर कोई खुशी है तो उसको भी मैटर ऑफ सेकंड में एब्जॉर्ब करता है। अब हमारी मर्जी है हम उसको कैसे लेके चलते हैं, यानी जैसे आपने रिलेशनशिप की बात बताई करते हैं और ये एक एक इसका एक हिस्सा है लेकिन ये फुल कंप्लीट पार्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है जो आपने बात किया कि हाँ जी इसमें हर बच्चा इस तरह नहीं होता। मैंने आपको अच्छा। पहले जी जी हर बच्चा इस तरह नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बच्चे इस तरह भी होते हैं कि क्योंकि बेसिकली वो, मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं, जब न्यूबॉर्न होता है उसके सामने जो जो लोग हैं उसने उनको ऑब्जर्व करना है। बेसिकली हमारे यानी अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से अगर स्टार्ट करें एम्ब्रियो से, तो एम्ब्रियो जब ब्रेन के सेल बनने शुरू होते हैं वहां पे न्यूरोसाइंटिस्ट ये वर्ड यूज करते हैं कि कॉस्मिक सॉरी न्यूरो बिग बैंग, वो न्यूरो बिग बैंग का लफ्ज यूज करते हैं कि ब्रेन कनेक्शन जो है ना वो ऐसे बनने शुरू होते हैं जैसे बिग बैंग हुआ था, इतनी स्पीड से बनते हैं। तो वो पॉइंट जो होते हैं जिस टाइम ब्रेन डेवलप हो रहा होता है वहां पे बहुत जरूरी है क्योंकि एवरीथिंग मदर इज एक्सपीरियंसिंग चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग आल्सो। ठीक है अच्छा, ये तो ये अंडरस्टूड है, इसमें आपको बेतहाशा रिसर्चेस मिल जाएंगी कि बच्चा जो है उसकी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तो लेटेस्ट रिसर्च ये आ रही है कि आपको यानी मदर और फादर तो 5 साल पहले से यानी जो आप अपनी ट्रेनिंग करेंगे वो चीज बच्चे में आनी शुरू होगी। तो डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा देखी गई है यानी मेजोरिटी पेरेंट्स में डिप्रेशन एंजाइटी देखी गई है, प्लस देखा गया है। ठीक है, लेकिन साइंस के जो एकेडमिक रिजल्ट्स है ना, एकेडमिक इसमें एक प्रॉब्लम है कि अब आप 100% श्योरिटी नहीं कह सकते क्योंकि एक वर्ड यूज किया जाता है कि कॉजेशन इज नॉट ऑलवेज, कि जो चीज आपको जिसमें नजर आ रहा है ना रिलेशन कोरिलेशन वो हर वक्त उसकी वजह नहीं होती, कि अगर ए ये बड़ा है और बी की वजह से बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि ए की वजह से बी बड़ा है, ये एक रूल है अपने यहाँ एकेडमिक पेपर्स में। तो इसकी वजह से फिर 100% श्योरिटी की वजह से आपको कोई रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा इसके ऊपर, क्योंकि फिर इसमें जाहिर है काफी यानी मुश्किल होता है इमोशंस को मेजर करना। बिलाल यस मैम, यस मैम,
सकती हूँ। तो अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें, हमारे सेशन का टाइम हो रहा है खत्म। पूछना तो कुछ नहीं, बस ये बताने के इसकी जो इंशाल्लाह हम इसको एडिट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली हो रही है, एडिट करके इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे ग्रुप में भी और हसन साहब से भी और सबसे करेंगे, और जिन जिन को जो ऑब्वियसली ऑटिज्म का जहाँ जहाँ इशू है उसको उधर शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे भी उसमें कॉन्टेक्ट में हैं कुछ लोग जिनको ये ज़रूरत थी उनको सुनने की, वो पहुँच नहीं सके सेशन में, तो इंशाल्लाह उनको भी शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच हसन फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू हसन, थैंक यू वेरी वेरी मच हसन, वेरी वेरी यूज़फुल, थैंक यू, ग्रेटफुल हसन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, वेलकम हसन।